देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चाइल्ड एज ए सिटीजन अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने से पहले जो है न हमारे पास यू एन सी आर सी जो है उसकी रिलेटेड एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि द डिवेलमेंट ऑफ द चिल्ड्रन फॉर्मर राइट इन देंट्रल पिलर दिस इज अ स्ट्रॉगली रिलेटेड टू द यू एन सी आर सी अन ट चिल्ड्रन राइट टू दार्टिसिपेशन अब एक यू एन सी आर सी की एक रिपोर्ट है या उनका एक डॉक्यूमेंट है जहां पर वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक सिटीजन है और जब वो एक सिटीजन है तो उसका राइट बनता है टू पार्टिसिपेट अब पार्टिसिपेशन जो है इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग इन द अदर बैटर अब ये एक कंट्रोवर्शियल भी है किसी हद तक जिसके अंदर जो है ना कुछ मुल्कों ने जो है उसको नह, नहीं माना या उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते थोड़ा नार्वे को हम डिस्कस करें कि नार्वे का कंटेस्ट जो है उसके अंदर जो है ना चिल्ड्रन राइट पार्टिसिपेशन इनकॉर्पोरेटेड इन द नेशनल लॉ इन जनरल नॉर्वे के हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि नॉर्वे ने चिल्ड्रन राइट को टू पार्टिसिपेट को इनकारपोरेट किया अपने नेशनल लॉ के अंदर और उन्होंने कहा कि इट बिकम द सेंट्रल प्रिंसिपल इन द जुडिशल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द किंगडन गार्डन वो उनका एक डॉक्यूमेंट बन गया उन्होंने कहा जी अ सिटीजन बच्चे को पार्टिसिपेट करना है कैसे करना है उसके द स्ट्रेंथन ऑफ द चिल्ड्रन इंडिविजुअल राइट हैज रेफर टू एज डेवलपमेंट वेयर द चिल्ड्रन आर एज सिटीजन वो कहता है क्योंकि इसने डेवलप करना है डिवेल्प करने के बाद इसने एक सिटीजन बनना है तो आज जहां पे जिसकी डेवलपमेंट होनी है उसकी डेवलपमेंट से ही उसके राइट्स को शुरू कर दिया जाए और उसकी फॉर्मल पार्टिसिपेशन शुरू करा दी जाए उसके फॉर्मर राइट्स आर नॉट सेम एज द फैक्चुअल राइट अब देखिए एक हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंटेड राइट दूसरे नंबर पे है हमारे पास फैक्चुअल राइट right. जैसे हम एजुकेशन के हवाले से जो है ना मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंटेड डाइट तो यह कहता है कि जब आप करिकुलम डेवलप करना शुरू करें तो उसके अंदर जिन्होंने उसको इंप्लीमेंट करना है स्कूल इंतजामिया स्कूल टीचर उनको भी साथ मिलाए जिस पर इंप्लीमेंट होना है उसको भी पार्टिसिपेट करवाएं बच्चे को भी जो स्टेक होल्डर हैं जो वालदे हैं जो इन्वेस्टर हैं बिजनेस की जबान है लेकिन बहरल वाले उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं टाइम मनी रिसोर्स उनको और जिन्होंने उसके इल्म को यूज करना है उसको वो कहते हैं असल तो ये है कि करिकुलम जब आपने डेवलप करना है तो इन को होना चाहिए यह तो हमारा फॉर्मल राइट है फैक्चुअल राइट क्या है फैक्चुअल राइट ये है कि वो जो बनाने वाले हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन तो कहीं की जाती है रिप्रेजेंटेशन वालदेन की भी हो जाएगी बच्चे की भी हो जाएगी बच्चे की बेस पे वालदेन की भी हो जाएगी उसकी जिसने उनको उसको, उसको यूज करना है उनकी भी हो जाएगी लेकिन फैक्चुअली जो है अब हम फैक्चुअल राइट्स की जब बात करते हैं तो फैक्ट्स ये कहते हैं कि निसाब बनाने वाले लोगों का जो रोल है वो डामिनेंट हो देखें ना आप किसी भी स्कूल से पूछें कि जी आपको जब ये कोर्स बनाने लगा था मैं पार्टिकुलरली एजुकेशन के फैक्टर से बात करना चाह रहा हूँ ये कोर्स जब बनाने लगे थे तो जिसने पढ़ाना था क्या उससे पूछा गया वो कह नहीं एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा गया नहीं लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे शो कर दी जाएगी और उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कह दिया जाएगा कि जी हमने एक वाल को बुलाया था एक स्टेक होल्डर को बुलाया था एक बच्चे को बुलाया था और बच्चे को बुलाने के बाद हमने इसको जाना ये हमने पेश कर दिया तो लिहाजा जो हमारे पास फॉर्मर राइट्स होते हैं और जो फैक्टुअल राइट्स होते हैं इनमें थोड़ा सा फर्क होता है और ये हिसाब जो है ना चाइल्ड एज सिटीज़न का है कि एक तो फार्मर राइट है हमने लिख दिया फिर फैक्चुअल राइट है कि वो कितना पार्टिसिपेट कर सकता है और कितनी पार्टिसिपेशन उसकी इफेक्टिव हो सकती है कितना वो अपने बारे में समझ सकता है मे बी जब हम आठवीं नौवीं दसवीं में बच्चा पहुंच जा रहा होगा तो उस वक्त तो शायद उसको ज़्यादा चीज़ों का इल्म होगा लेकिन जब लोअर लेवल पे बात करते हैं इसी की बात किंग गार्डन की बात तो उस वक्त तो उसकी पार्टिसिपेशन एज ए सिटीज़न जो है उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट वो भी नहीं सकती